हेलो एवरीवन, मैं हूँ हर्ष धवन और हमने जैसा कि पिछले वीडियो में स्टार्टअप की बात की, सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को बहुत डर लगता है स्टार्टअप करने में, एक बिजनेस ओपन करने में। वो डर क्या है? सबसे पहला डर, यार मेरे पैसे का नुकसान हो जाएगा। दूसरा डर, यार मेरे फ्रेंड सर्कल दूर हो जाएगा। तीसरा डर, अरे यार मेरे को तो सोने के लिए टाइम चाहिए, मैं तो बहुत सोता हूँ, मुझे पूरी तरीके से नींद नहीं मिलती। चौथा डर, अगर मैं काम नहीं चला पाया तो क्या मैं आगे कोई दूसरा काम कर पाऊँगा, यानी होपलेस हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं पहले डर की, मतलब ये यार पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा एक सजेशन है, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, देखिए लॉस प्रॉफिट और तो पार्ट ऑफ गेम, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, एक ऐसी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिससे पहले आप ट्रायल बेसिस पे एक स्टडी कर सकें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखिए चाय का एग्जांपल देता हूँ। चाय एक ठेले वाला भी बेचता है, रेस्टोरेंट में भी बिकती है, ढाबे वाला भी बेचता है और फाइव स्टार में भी बिकती है। तो ये तो आपके ऊपर है, आप किस लेवल से, किस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं। एक सजेशन और देना चाहूँगा, कभी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ना यूज़ करिए जिसके लॉस होने से आपको कहीं कोई हार्ट अटैक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कोई डिप्रेशन आ जाए या आप अपनी हेल्थ के खो दें। दूसरी प्रॉब्लम, यार मेरा फ्रेंड सर्कल दूर हो जाएगा, मैं अपने फ्रेंड के साथ कब मिलूंगा, मैं सारा दिन काम पे रहूंगा। तो देखिए, इसका जवाब एक ही, अगर वो आपके अच्छे दोस्त हैं तो वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले, बल्कि वो आपके हर डिसीजन में साथ रहेंगे। सो शुरू करिए अपना सफर। तीसरी भाई, होपलेस हो जाऊंगा। यार एक छोटी सी बात है, आपने कितना क्रिकेट मैच देखा हो, कितने ही क्रिकेटर हैं खेलते हैं, कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो आज तक जीरो पे आउट ही नहीं हुए। वो जीरो पे आउट हुए तो क्या उन्होंने अगला मैच नहीं खेला, क्या उन्होंने उसके बाद सेंचुरी नहीं बनाई? खुद सोचिए। फिर उसके बाद, अरे यार मेरे को तो बहुत सोना होता है, मुझे 12-12 घंटे सोना होता है। देखिए इसका तो एक ही है कि आप बहुत लेजी हैं, और लेजी अगर हैं तो स्टार्टअप कैसे कर पाएंगे? काम आपका है संभालना आपको। इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए आगे एज तो जा ही रही है, बुढ़ापा तो सब पे आएगा, तब सो लेना जितना सोना हो, लेकिन ये काम करने की एज है। तो स्टार्ट कीजिए अपना एक नया बिजनेस और दिखाइए दुनिया को कि आप भी एक ब्रांड बन सकते हैं। गुड डे।